यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक शिमला के राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो वहीं बैठक में सीएम की ओर से विभिन्न दौरों के दौरान की गई घोषणाओं की भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जयराम कैबिनेट इस बार भी कुछ नए पद सृजित कर सकती है और नए संस्थान खोलने के अलावा कुछ संस्थान अपग्रेड भी किए जा सकते हैं। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही है और अहम बैठक इसको माना जा रहा है और इस दौरान कई अहम फैसले हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है, कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न दौरों के दौरान की गई घोषणाओं को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही ये खबर शिमला से है जहाँ पर हिमाचल कैबिनेट की बैठक है आज और साथ ही सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक आज शिमला में है। इस दौरान आपको बता दें कि नए संस्थान खोलने के अलावा कुछ संस्थान अपग्रेड करने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है और इसके साथ ही जयराम कैबिनेट में इस बार कुछ पद सृजित भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर है। उमेश, क्या अपडेट है खबर पर? लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, कैबिनेट शुरू हुई है। मुख्यमंत्री इसमें इतने लगभग सारे मंत्री कैबिनेट में, सुरेश भारद्वाज जी अपनी पत्नी की बीमारी के चलते शिमला से बाहर है लेकिन बाकी सारे मंत्री कैबिनेट पे पहुंच के कैबिनेट शुरू हुई। 11 बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई है। फिलहाल यही अभी जानकारी है कि कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई है, तमाम मंत्री इसमें पहुंचे हैं, एक मंत्री नहीं पहुंच पाए हैं, वो शिमला से बाहर है, कैबिनेट मीटिंग जारी है अभी। जी उमेश, क्या कुछ मुद्दे आज इस बैठक में रहने वाले हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेके आज मुद्दा आने वाला है और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट को लेके और सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट को लेके प्रेजेंटेशन होनी है। इसको लेके क्या रणनीति आगे बनती है सरकार, इसको आगे कैसे इन डिपार्टमेंट के काम को कैसे आगे बढ़ाएगी, इन्हीं बातों पर चर्चा होनी है। और उसके बाद अलग अलग संगठन, अलग अलग जो सरकारी विभाग है उनमें जो पद खाली है उनको सृजित करने के लिए भी चर्चा हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो कई मुद्दे हैं जो इस बैठक में आज रहेंगे और साथ ही कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। शिमला से ये खबर।